मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भिलगांव स्थित महिमा फाइबर प्राइवेट लिमिटेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं के बीच विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति कसरावद और न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विवेक जैन की अध्यक्षता में विश्व महिला दिवस के अवसर पर शिविर राकेश भिड़े व्यवहार न्यायाधीश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन महिलाओं व उनकी उपलब्धियों के प्रति सम्मान प्रकट कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियाँ मौजूद है। आप भी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कौशल को निखारें, जो भविष्य में आपके जीवन यापन में सहयोगी होगा। खसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। पीड़न से बचाव के लिए कानून है महिलाओं के लिए। अगर ट्रिपल तलाक कानून बना तो आपको सबको पता होगा महिलाओं के लिए जरूर, और बहुत सारे कई सारे कानून है तो आपको आप जानकारी रहती है। ठीक है, कभी मेरा और आगे आने का मौका मिला तो अपने एक सेशन पूरा जो है लीगल के ऊपर रखेंगे कि महिलाओं से रिलेटेड क्या क्या चीज़ के अवसर पर समस्ती में उपस्थित आदमी जन साहब चौधरी साहब, हमारे साथी अखिल जी, आशीष जी और उपस्थित मातृशक्ति, मैं आज जो स्थिति देख रहा हूँ मुझे अपने एक जजमेंट में लिखना पड़ा था ये कि जैसे एक मछली तालाब को गंदा कर देती है वैसे ही उस महिला ने तालाब को गंदा करने का काम किया है। मतलब अपने पर्सनल अपनी कोई घरेलू दुश्मनी निकालने के लिए अपने पति 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 का किसी के साथ विवाद हो गया तो उस विवाद के लिए उस विवाद को पीछे रख के एक औरत 354-376 के जो FIR दर्ज करा देती है बदला निकालने के लिए, कहीं ना कहीं मन में बैठा हुआ है कि और किसी घटना की कार्रवाई हो या ना हो अगर इस पर ये लगा दिया इसने मुझे छेड़ा, इसने मेरे साथ गलत काम किया, तुरंत कार्रवाई होती है, अपनी तुरंत अरेस्ट कर लेगी, जेल में जाना पड़ेगा। तो उस बात का कुछ महिलाएं मिसयूज भी कर रही हैं, दुरुपयोग भी कर रही हैं। तो अपने को सिर्फ उपयोग कराने लेकर जाता था तो खाली बैठा रहता था, उससे सोचता है कि मैं क्या करूँगा तो बोल रहा हूँ तो क्या करता, झूठ मूठ चिल्लाता कि शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया, तो गाँव वाले वहाँ से भागे भागे आते तो फिर आगे बोलता है कि नहीं कोई शेर नहीं आया, मैं मजाक कर रहा हूँ। थोड़े दिन बाद वही करता कि शेर आया शेर आया, तो थोड़े दिन बाद जब उसने कई बार ऐसी हरकत कर ली तो गाँव वालों को पता लग गया कि ये तो मस्खरा है, वो ऐसी मजाक करता, कोई शेर नहीं आया। तो एक दिन एक्चुअली में शेर आ गया, मतलब तब उसने चिल्लाया कि शेर आया शेर आया, तो गाँव वालों को क्या लगा मजाक कर रहा है तो मस्करी कर रहा है, तो कोई नहीं आया और शेर उस व्यक्ति को मार के चला गया। तो ऐसा ना हो कि झूठे केस कर करके ऐसा इंप्रेशन बन जाए कि किसी महिला के साथ सच में कोई ऐसी जब अपराध हो जाए तो जो अधिकारी है या न्यायालय है या प्राधिकरण है उनके माइंड में एक ही बात जाए कि हो सकता है ये भी झूठ। हालांकि हम इस परसेप्शन पर काम नहीं करते कि झूठ है, अपन तो सबूतों और गवाहों के बेसिस पर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जो है अधिकारों का उपयोग करेंगे, उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कानूनों की हमने बात करी, दहेज से संबंधित कानून। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।